रामपाल, अरे ओ रामपाल, क्या बात है? क्यों चिल्ला रहा है? बाइक किसकी है? हमारे घर में खड़ी तो समझ ले हमारी यार है। रामपाल, बताना किसकी है? अरे किसकी है, क्यों है, ये सब छोड़, तू चला और मौज ले। अरे कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या लेने आए हो? अपनी बाइक लेने आए हैं। दे दू साढ़े तुझे अभी बाइक। देख लो गांव वालों, गांव में लात मार रखी है। अरे ओ गांव के नेता, तू चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो तुझे भी हम यही रख लेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं अपनी बाइक लिए बिना नहीं जाऊंगा। ठीक है ले जा। खेत में खड़ी थी, ठा लाया। क्या बात है रामपाल, बाइक ही चुरा लाया तू उसकी? मेरे यार को पसंद आई थी इसलिए चुरा ली मैंने। आई लव यू रामपाल। आई लव यू टू। अरे तो जा कहाँ रहा है? अभी आ रहा हूँ, बिल्लू के पास जा रहा हूँ। जरा जा तो जल्दी आइए। मैं यूं गया और यूं आया। राम राम भाभी जी। राम राम चमेली, और ठीक है तू? हाँ भाभी जी मैं ठीक हूँ। चमेली मेरा एक काम करेगी तू? बोलो ना भाभी जी। तू मेरे लिए खेत पर से सरसों का साग ला दी कि क्या? हाँ अभी ला दूंगी भाभी जी। भाभी जी ये कौन है? चमेली तूने इसे पहचाना नहीं? नहीं भाभी। अरे ये अंजलि है जिसके साथ तू बचपन में खेलती थी। ये अंजलि है? ये तो बहुत बड़ी हो गई। तो भी तो बड़ी हो गई है अब। हाँ हो तो गई हूँ भाभी जी। अब ये बता मेरे लिए साग लेने जाएगी या सारी बातें आज ही कर लेगी? जा रही हूँ भाभी जी। चमेली सुनो, मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ खेत पर? हाँ चलो। भाभी मैं जाऊँ चमेली के साथ खेत पर? हाँ जाओ। ठीक है। और बता भाई अर्जुन, कैसी कट रही है आजकल तेरी? मेरी तो बढ़िया कट रही है, तू बता तेरी कैसी कट रही है? भाई मेरी तो अब अकेली कट नहीं रही, मैं तो सोच रहा हूँ ब्याह कर लूँ जल्दी से। सोच क्यों रहा है, कर लेना फिर। हाँ लग रहा हूँ प्रोग्राम में। मुझे लगता है लड़की पहले से ही देख रखी है तूने। हाँ है तो एक लड़की मेरी नजर में। कौन है मुझे भी बता जरा। अरे भाई ऐसे बताने मजा थोड़ी ना आता है, तुझे तो मैं डायरेक्ट मिलवाऊंगा। मिलवाएगा? बहुत जल्दी मिलाऊंगा भाई। और तू बता तू कब कर रहा है ब्याह? अरे मैं कहाँ कर रहा हूँ ब्याह, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। अरे मुंशी इतनी स्पीड में कहाँ जा रहा है, दो मिनट हमारी भी सुन ले। आ सुना जल्दी, क्या सुना रहा है? पहले एक बीड़ी पिला फिर सुनाऊंगा। बीड़ी नहीं है मेरे पास। बीड़ी नहीं है तेरे पास? फिर काय का मुंशी है तू, भाग यहाँ से। आ जा रहा हूँ मैं, कौन सा तेरे पास खड़ा रहूंगा। हाँ तो जा ना, सुना किसे रहा है? खम्मा का मेरा टाइम बेकार कर दिया रोक के। ओ मुंशी तेरी पैंट पट्टी के पीछे से। ठीक है बिल्लू, मिलते हैं बाद में। इधर कहाँ जा रहा है तू? खेत की तरफ जा रहा हूँ थोड़ा घूमने, तू चलेगा? नहीं मैं भी तेरी भाभी को देखे हूँ, कहाँ है। ठीक है। तू यहाँ क्या करने आई है? मैं यहाँ कुछ भी करने आई हूँ, तेरे से क्या मतलब है? अरे ओ सहरी मैडम, यू तेरा शहर नहीं है, गांव है, यहाँ थोड़ी ढंग से रह, समझी? मुझे ना तेरे से समझने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात है, आज होश में लग रहा है तू। और बेहोश कब रहता हूँ मैं तो होश में ही रहता हूँ हमेशा।
अच्छा सुन, तेरा नाम क्या है? अरे मेरा नाम जान के क्या करेगी तू? कुछ तो कर ही लूंगी, बता तो सही पहले। अर्जुन। अर्जुन, अर्जुन एक बात तो बता, तू इतनी दारू क्यों पीता है? तेरे माँ बाप तुझे कुछ कहते नहीं है क्या? मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। और पिताजी? वो है ना मेरा यार रामपाल। अच्छा, जिसके बारे में कल रात तू मुझे बता रहा था, वो तेरे पिताजी हैं? हाँ। वैसे वो करते क्या है? वो मुझे सिर्फ प्यार करता है और कुछ नहीं करता है मेरा यार। अंजलि, घर नहीं चलना क्या? चमेली, आ रही हूँ, दो मिनट रुक जा। अच्छा सुन, तू कल मिलेगा मुझे इसी टाइम? क्यों? मिल तो सही, फिर बताऊंगी। ठीक है, मिल जाऊंगा। ठीक है, बाय। अर्जुन भैया क्या बोल रहे थे? तू जानती है अर्जुन को? हाँ, मेरे घर के पास ही तो रहते हैं। अच्छा चमेली, एक बात तो बता, ये इतनी दारू पीता क्यों है? ये तो मुझे नहीं पता, पर सब कहते हैं जब से इनकी माँ इनको छोड़ के गई है तब से ये दारू पीने लगे हैं। इसकी शादी हो गई है? नहीं, अभी तो नहीं, बट तुम क्यों पूछ रही हो? नहीं, बस ऐसे ही। यार को है यारी निभानी, पिले पिले उम्र राजा, पिले पिले उम्र जानी, पिले पिले उम्र राजा, पिले पिले उम्र जानी। अबे मुंशी के बच्चे, कहाँ जा रहा है इतनी रात को? अर्जुन में विधायक जी के घर जा रहा हूँ। अबे रात को तो विधायक को सो लेने दे यार, रात में भी कोई घोटाला करने का प्लान है तुम लोगों का? हम लोग कोई घोटाला नहीं करते अर्जुन बेटा। अबे चुप कर, मुझे होशियारी दिखा रहा है? अबे मुंशी, जितना घोटाला तुम नेता लोग करते हो उतना तो कोई भी नहीं करता यार। अच्छा अर्जुन बेटा, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं जाऊँ? अबे ओए मुंशी के बच्चे, चुपचाप यहीं खड़ा रह, नहीं लिटा दूँ सड़ को अभी। यार रामपाल, मैं सड़ मुंशी में गोली मार दूँ? मार दे सड़ में, अपने बाप का क्या जाता है मेरे? अरे मुंशी भाग कहाँ रहा है? गन नहीं लाया मैं, लगता है सड़ा मुंशी डर गया। यार रामपाल, हाँ? मैं चलते चलते थक गया हूँ। अच्छा तो ले आ फिर। पीले पीले उम्र राजा। यार 10 बज लिए, अभी तक नहीं आई, पता नहीं कहाँ रहेगी। क्या बात है, टाइम से पहले आ गया तू। पहले ये बता, बुलाया क्यों था मुझे? अरे इतनी जल्दी में क्यों है, कहीं जाना है तुझे? नहीं। तो फिर बैठ ना चुपचाप दो मिनट। अर्जुन, तू मेरा एक काम करेगा? हाँ बोल। पहले वादा कर, जो मैं बोलूंगी वो तू करेगा। देख अंजलि, मैं किसी से वादा नहीं करता हूँ, तुझे जो भी बोलना है जल्दी बोल, अगर किसी गाँव वाले ने तुझे मेरे साथ देख लिया ना तो मुसीबत आ जाएगी। जब तुझे गांव वालों से इतना ही डर लगता है तो फिर मुझसे मिलने आया क्यों? अरे डरता तो मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ, तू काम बता बस। पहले वादा कर, फिर बताऊंगी। ठीक है, वादा है, जो तू बोलेगी वो मैं कर दूँ, अब बोल। तू ना दारू पीना छोड़ दे। दारू पीना छोड़ दूँ? ये नहीं हो सकता कभी। देख, तूने मुझसे वादा किया है, जो मैं बोलूंगी वो तू करेगा। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं। और अपने रामपाल को भी समझाएगा तो, वो भी दारू नहीं पिएंगे। रामपाल को समझाऊंगा? मेरे बस की नहीं है उसे समझाना। ठीक है फिर, मैं समझा दूंगी उन्हें। हाँ ये ठीक रहेगा, तू खुद समझा दिए उसे। अब मैं घर जा रही हूँ, बाद में मिलूंगी। ठीक है? ठीक है, बाय बाय। यार मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही, मैं इस लड़की से सिर्फ 2 बार मिला हूं और मैंने इसकी बात मान कैसे ली?
कहीं मुझे प्यार व्यार तो नहीं हो गया? चाचा जी राम राम। राम राम बेटा, मैंने तुझे पहचाना नहीं, कौन है तू? जी मैं राजवीर विधायक की बहन हूँ। अच्छा अच्छा, बता बेटा कैसा आना हुआ? जी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोल बेटा। चाचा जी जो बात मैं आपसे बोलने वाली हूँ उसे सुनकर आप बुरा मत मानना। अरे बेटा तू बोल तो सही। चाचा जी मैं चाहती हूँ आप दारू पीना छोड़ दे, क्योंकि जब तक आप दारू पीना नहीं छोड़ेंगे अर्जुन भी दारू पीना नहीं छोड़ेगा, और मैं चाहती हूँ कि आप दोनों दारू को हाथ भी ना लगाए। अच्छा तो ये अर्जुन से पहले मिल चुकी है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। चाचा जी क्या सोचने लगे आप? कुछ नहीं बेटा, मैं भी तेरे से एक बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलिए ना चाचा जी। मुझे ना 100 रुपए उधार चाहिए, बेटा देगी तू? 100 रुपए का क्या करोगे चाचा जी? वो मैं एक पौवा लाऊंगा, मेरे पास खुले पैसे नहीं है। अच्छा मेरी बातें आपके समझ में नहीं आई? अच्छा एक ही दिन में इतना लगाव हो गया तुझे अर्जुन से? हाँ मुझे उससे लगाव हो गया है, और मैं उसे दारू नहीं पीने दूंगी। और एक बात और सुन लीजिए मेरी, अगर आपने अर्जुन को दारू पिलाई ना तो मैं आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। तो फिर रोक के दिखा। ठीक है। हट हट, एक अर्जुन को सुधारने का एक ही तरीका है, मैं उसे अपने दिल की बात बता देती हूँ, क्या पता ये बात सुन के वो सुधर जाए। हाँ ये ठीक रहेगा, कल मैं उससे अपने प्यार का इजहार कर दूंगी। ये अर्जुन कहाँ रह गया आज? लो आ लिया। अरे कहाँ है मेरे यार, हम तेरे लिए कब से महफिल सजाए बैठे हैं और तेरा कुछ अता पता ही नहीं है। ये ले। यार रामपाल आज मेरा बिल्कुल भी पीने का मूड नहीं है। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है तेरी? हाँ तबीयत तो ठीक है मेरी। तो फिर ले क्यों नहीं रहा है? यार बोला ना मेरा बिल्कुल भी पीने का मूड नहीं है, तुम लोग पियो मैं जा रहा हूँ सोने। जो मैं चाहता था आज वो हो गया, ले पी। रामपाल मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, तू अर्जुन को दारू पिलाता क्यों था? मैंने कभी नहीं पिलाई उसे दारू, वो खुद ही सीख गया पीना। फिर वो दारू पीने बाहर जाने लगा, मुझे डर लगा रहता था कहीं उसे कुछ हो ना जाए। फिर उसके बाद मैंने भी दारू पीना शुरू कर दिया, कम से कम पीने के बाद मेरी आंखों के सामने तो रहेगा। अच्छा ये बात है। हाँ पर अब मेरा यार सुधर जाएगा। बहुत कैड़ा पैक था रामपाल, मुझे भी खिला चकना। ये ले। क्या हुआ, समझा दिया रामपाल को? अरे उन्हें समझाना ना दीवार में सर मारने के बराबर है। मैं तो पहले ही समझा रहा था तुझे ये बात, पर तेरी ही समझ में नहीं आ रही थी। तूने तो अपना वादा नहीं तोड़ा ना। अर्जुन का वादा नहीं टूटता है कभी। अच्छा सुन मुझे ना तेरे से एक बात करनी है। तो कर ना फिर, बैठी क्यों है? अर्जुन मुझे लगता है मैं तुझे पसंद करने लगी हूँ। ये क्या बोल रही है तू, हमें मिले सिर्फ 2 दिन हुए और तू प्यार भी करने लग गई मेरे से? प्यार तो मुझे तेरे से उसी दिन हो गया था जिस दिन तो मुझे ऑटो में मिला था। ऑटो में मिला था? मैं कब मिला था? जिस ऑटो से मैं स्टेशन से आ रही थी उसी ऑटो को तूने रोका था।
उसके बाद तू ऑटो को पप्पिया करने लगा था, उसी दिन हो गया था प्यार तेरे से। अच्छा जी। उसके बाद मैंने तुझे ढूंढना शुरू किया, फिर तू एक दिन रात को मुझे मिला, पर तू इतने नशे में था कि बात करना तो दूर, सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तू दुनिया की पहली लड़की है जो किसी लड़के को नशे में देखकर उससे प्यार करने लगी। तू नशे में तो था, पर तेरे चेहरे पर एक मासूमियत देखी मैंने, बस उसी मासूमियत पे फिदा हो गई मैं। तेरे फिदा होने से क्या होता है, मेरे दिल में भी तो तेरे लिए प्यार होना चाहिए। क्यों, तू प्यार नहीं करता मेरे से? नहीं। ठीक है फिर, मैंने तुझे परेशान किया उसके लिए सॉरी। अच्छा, मेरी नींद हराम करके खुद आराम से सो रहा है, अभी बताती हूँ तुझे। अरे तू यहाँ क्या करने आई है? मैं तुझे ले जाने आई हूँ यहाँ से। मुझे ले जाने आई है? अरे मुझे कहाँ ले जाएगी आधी रात में? मैं तुझे अपने घर ले जाऊंगी। पागल हो गई है क्या? हाँ मैं पागल हो गई हूँ तेरे प्यार में। अब जल्दी बता, तू मेरे से प्यार करेगा या नहीं? अरे मैं तेरे से प्यार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता मेरे से प्यार? मेरे अंदर कमी क्या है बता जरा। अरे कोई कमी नहीं है तेरे अंदर। तो फिर क्यों नहीं करता है तू प्यार? देख तुझे चढ़ गई है, अभी तू घर जा, हम लोग कल बात करेंगे इस पे। नहीं, मुझे अभी बात करनी है तेरे से। अरे धीरे बोल, रामपाल जग जाएगा। अरे जग जाएगा तो जग जाने दे, मैं डरती थोड़ी हूँ तेरे रामपाल से। देख मैं तुझे प्यार नहीं करता, तू बात को समझ मेरी। ओ समझदार के फूफा, ज्यादा समझदार मत बन तू। अगर तूने मेरे प्यार को ठुकराया ना तो मैं तेरी जान ले लूंगी। अरे ये कहाँ से लाई तू, दे इधर। चल मैं तुझे घर छोड़ के आता हूँ। जब तक तू मुझे आई लव यू नहीं बोलेगा ना, तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अरे अरे यहाँ कहाँ लेट रही है, अपने घर जाके लेट। आज से यही मेरा घर है। अरे क्या करूं मैं इस लड़की का, मेरी दारू छुड़ा के खुद पीने लग गई। अंजलि अंजलि, अरे अंजलि। हाँ बोलना मेरे बाबू। तू मेरे से प्यार करती है ना? अपनी जान से भी ज्यादा करती हूँ। तो मेरी एक बात मानेगी तू? हाँ बोल मेरी जान। तू अभी अपने घर जा प्लीज। अच्छा ठीक है, पर तू पहले बोल मेरे से प्यार करता है तू? ये बात मैं तुझे कल बोलूंगा। पक्का? हाँ पक्का। ठीक है तो फिर मैं जा रही हूँ। ये रह गया तेरा। लगता है ज्यादा ही पी ली है आज। बड़ी चुपचाप खड़ी है, रात को तो बहुत बोल रही थी, लगता है उतर गई है। तुझे क्या करना है, मैं कुछ भी करूं? हाँ ये बात भी है। देख अर्जुन, मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तू मुझसे प्यार करता है या नहीं? नहीं मैं तेरे से प्यार नहीं करता हूँ। सोच ले, बाद में मत बोलियो कि मैंने तुझे बताया नहीं। अच्छा मुझे धमकी दे रही है? अगर तू मुझे नहीं मिला ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी अर्जुन। अंजलि, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तेरे बिना रह नहीं सकती अर्जुन। मैं भी तेरे से बहुत प्यार करता हूँ। अगर तू मुझे छोड़ के गया ना तो मैं मर जाऊंगी। पागल है क्या, मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मैं सब तेरे साथ ही रहूंगा।
पायल तार, मन्ने सोने ना दे छोरी पायल की झनकार, मन्ने सोने ना दे छोरी पायल की झनकार। जी।
है मुझे सुकून जब मैं देखता हूँ खून। पता लगा उसकी सबसे प्यारी चीज क्या है? उसकी सबसे प्यारी चीज उसका बाप रामपाल है। तो ठीक है, रामपाल को राम के पास पहुंचाने का बंदोबस्त कर दे। आप चिंता मत करो विधायक जी, वो भी याद रखेगा किससे पाला पड़ा है। तो ठीक है, निपटा दे साले को, बाकी मैं देख लूंगा। अर्जुन, तूने अंजलि पे नजर डाल के अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। क्या बात है यार, आज तो बड़ा स्मार्ट लग रहा है तू। अरे मैं पैदा ही स्मार्ट हुआ था। अच्छा जी। हाँ जी। और एक बात बोलू तेरे से? पूछना मेरी जान। किसी लड़की के चक्कर में इस अपने यार को मत भूल जाइए। अरे कैसी बात कर रहा है यार रामपाल, मैं दुनिया में किसी को भी भूल सकता हूँ पर अपने यार को नहीं भूल सकता कभी। अच्छा एक बात बता तू, तेरी लव स्टोरी कैसी चल रही है? लव स्टोरी? कौन सी लव स्टोरी? अच्छा अपने यार से छुपा रहा है तू, तेरे यार को सब पता है तेरे बारे में। हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। अरे चमेली क्या बात है, तू इतनी परेशान क्यों है? अंजलि वो अब आगे भी कुछ बोलेगी तू? अर्जुन भैया के पिताजी खत्म हो गए। क्या? तुम जल्दी चलो मेरे साथ। हाँ चल। अंजलि कहाँ जा रही हो तू?
वो भैया मेरे एक दोस्त के ना पिताजी खत्म हो गए हैं, मैं वहाँ जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है जाने की, घर में बैठो। पर भैया। सुना नहीं मैंने क्या बोला है? तुझे क्या अलग से बोलना पड़ेगा? चल जाओ। गुप्ता तेरी समझ में नहीं आया क्या? कल तक अगर जमीन मेरे नाम नहीं हुई तो तू जानता है कौन मुझे बहुत पसंद है। रामपाल मुझे छोड़ के चला गया। मुझे पता है अर्जुन, पर क्या कर सकते हैं, भगवान के आगे किसकी चलती है। मत बोल मुझे भैया, तूने मेरी नाक कटवा दी, मरो साले को। अर्जुन 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 उसे मत मारो प्लीज भैया, उसे मत मारो अर्जुन, मरो साले को, मारो छोड़ नहीं, मारो साले को, मारो उसे मत मारो, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ भैया, उसे मत मारो। उसकी यही तो गलती है कि ये तेरे से प्यार करता है। अर्जुन 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 उठो। विधायक जी, जैसे हम लोगों ने इसके बाप को मारा था, इसे भी निपटा दो क्या? और क्या, ये इस दुनिया में अकेला रह के क्या करेगा, निपटा दे साले को। अर्जुन उठो, अर्जुन उठो। भैया भैया अर्जुन अर्जुन अर्जुन
नहीं, इसने मेरे यार रामपाल की जान ली है, मैं इसे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन, मैं तेरे पैर पकड़ती, इन्हें माफ कर दे। आज मैं तुझे सिर्फ इसकी वजह से छोड़ रहा हूँ, अगर दोबारा तू मुझे मिला तो तू इस दुनिया में नहीं दिखेगा। अगर मेरी जान को किसी ने मेरे से दूर किया तो मैं उसकी जान ले लूंगा।